खाली है, डोंट वरी, कुछ नहीं गिरा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं ऐसे ही बस शोशेबाजी कर रही थी, बट है काफ़ी कुछ है जिसके बारे में बात करेंगे। तो ये बॉक्स बेसिकली मेरे पास आया है JBL कमर्शियल की तरफ से, और उन्हीं के साथ कोलेब्रेशन में बेसिकली ये वीडियो बन रहा है। उन्होंने जब मुझे पहली बार मतलब अप्रोच किया है इस स्पीकर और माइक के लिए कि आप रिव्यू करोगे, तो मुझे लगा क्यों नहीं। आई मीन वैसे भी इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ काफ़ी अलग अलग वैरायटी के वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा क्यों नहीं यार, एक और प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देना बनता है, क्योंकि इनके साथ तो मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ यहाँ पर। तो हाँ, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं WFH100 USB माइक एंड स्पीकर बंडल के बारे में। क्या है मतलब ये, कैसा परफॉर्म करते हैं और किन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं, उन सब के बारे में बात की जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स खाली है क्योंकि सारा सामान बाहर है, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बॉक्स के अंदर, वो है यूज़र मैनुअल, और इसके साथ एक 5% का एक कूपन भी दिया हुआ है, जिसे आप in.jbl.com पर जब भी अपनी नेक्स्ट परचेस करोगे वहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट लेने के लिए। और कुछ भी नहीं है तो इसको रखते हैं साइड में और सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इस बंडल पैक में काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज के दो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट वाला, और इसी के साथ हमें एक माइक जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कहीं पर उलझ गया और इसका वायर, और इसके साथ हमें एक Type-C 2 USB केबल देखने को मिल रही है। बाकी ये जो स्पीकर्स है इसमें यहाँ पर भी हमें एक USB केबल और एक RCA कनेक्टर भी है। इस कनेक्टर की हेल्प से आप लेफ्ट वाले स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो और इस USB केबल को आप जिसमें भी सेटअप करना चाहते हो, अपने लैपटॉप पर, अपनी मैक पर, या फिर आपका PC है उस पर, उसमें कनेक्ट कर सकते हो इसको, या फिर आप अपने फ़ोन में भी कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो वहाँ पर भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो माइक है ना, तो यहाँ पर इस वाले स्पीकर में राइट वाले स्पीकर में आपको दो USB पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, आप उसमें इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो ये एक प्रॉपर सेटअप बन जाएगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि सेटअप करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इस छोटू से माइक के बारे में ही, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, बहुत ही ज़्यादा क्यूट कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको ये पूरा प्रॉपर सेटअप यूज़ करना पड़ेगा। आई मीन देख ही सकते हो, USB प्लग एंड प्ले का खेल है, जहाँ पर भी यूज़ करना है बस इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। फ़ोन में अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है तो OTG कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप, PC, मैकबुक, टैबलेट, जो मर्जी, मतलब सिंपल सी बात है, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो और इसमें ऑडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो आप। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है अपने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो अभी जो आप साउंड सुनोगे वो इसी की आ रही है। तो आप मुझे बताना यहाँ पर कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है। बेसिकली ये कार्डियोइड पिकअप पैटर्न माइक है, जो कि सामने से सिर्फ आपकी साउंड लेगा और आसपास की जितनी भी बैकग्राउंड या फिर एम्बिएंट नॉइसेस है, ये उन सबको कैंसिल कर देता है। मतलब कि ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक नहीं है यहाँ पर। बाकी हाँ, जब ये इसको आप प्लग करोगे ना, तो यहाँ पर इसका वाइट लाइट ग्लो हो जाएगी, LED इंडिकेटर दे रखा, तो समझ जाना ऑन हो गया है। तो देखो, अगर आप जैसे होता है ना वेबिनार्स दे रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो, तो यहाँ पर ऐसे पीछे म्यूट का बटन भी दे रखा है, जिसे जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे LED यहाँ पर रेड हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी आप म्यूट हो चुके हो। बाकी हाँ, आप मेरी तरह अगर कॉन्टेंट क्रिएशन में हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, देन तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। उसके अलावा अगर आप डबिंग आर्टिस्ट हो या फिर ऑडियो वॉइस ओवर करते हो अपने वीडियोस वगैरह में, जैसे होते हैं ना कई सारे कंटेंट क्रिएशन में बाद में वॉइस ओवर किया जाता है, तो उस हिसाब से भी अच्छा है। तो हाँ, काफ़ी सारा मतलब मल्टीपर्पज़ है ही है, तो आप उस हिसाब से इसको यूज़ ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट, जहाँ तक बात रही इन स्पीकर्स की, तो ये भी आप देख सकते हो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के, आई मीन टोटल दोनों का मिला के 950 ग्राम अप्रॉक्स वेट निकल के आता है। तो ऐसा नहीं है कि स्पीकर और माइक वगैरह एक साथ सेटअप कर लिया तो भाई अब तो उठा ही नहीं सकते, मतलब एक बार जहाँ जम गए वहाँ जम गए, नहीं यार, एक्सट्रीमली पोर्टेबल है सारी चीज़ें, आप कहीं पर भी इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको दो USB पोर्ट्स, 3.5mm का जैक, वॉल्यूम डायल और साथ ही में एक LED इंडिकेटर भी दे रखा है। सिंपलिस्टिक सा डिज़ाइन है बाय द वे, तो वो चीज़ अच्छी है, ज़्यादा ऐसे तामझाम नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा मतलब देखो, मैंने पहले भी बोला आपके, आप इसको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हो माइक को, तो डेफिनेटली इन स्पीकर्स को भी आप दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो लगा के। अगर आप टीचर वगैरह हो, आपको क्लासेस वगैरह अटेंड करनी है, स्टूडेंट हो, लेनी है, देन वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड मिल जाएगी। एंड
मतलब ऑब्वियसली ये स्पीकर्स है, यहाँ पर आपको जो इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 80 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स तक की है, तो आप इसको मतलब म्यूजिक लवर हो देन उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है या फिर जो म्यूज़िक है, जो वोकल्स है, वो अच्छे खासे लाउड एंड काफ़ी क्लियर भी है, तो आप खुद देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। सीरियसली ये माइक तो सुपर यूजफुल है कंटेंट क्रिएशन में, आई मीन मैं टोटली रिलेट कर सकती हूँ यार, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ तो मुझे पता है माइक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, या फिर ये जो स्पीकर्स वगैरह है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। बट आई एम श्योर आज के टाइम पर हर कोई घर पर बैठ कर अपने सारे काम कर रहा है, क्लासेस हो गई या फिर वेबिनार्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गई, सब घर से ही जा रही है, तो इस तरह की चीज़ों की मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। तो डेफिनेटली अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनको चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगी, वहां पर जाके आप देख सकते हो। बाकी तो आई होप कि इस ओवरऑल वीडियो से आपको पता लग गया होगा कि कैसे हैं ये स्पीकर्स और ये माइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो इसको लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।